व्हाट इज द पर्पस ऑफ लाइफ? आता है माइंड में कई बार आता है ना कि जो लाइफ में इतनी प्रॉब्लम है, और स्पेशली तब आता है जब लाइफ में प्रॉब्लम होती है कि नहीं, जब लाइफ बढ़िया चल रही होती है, हनीमून पे कोई सोचता है कि मेरी लाइफ का पर्पस क्या है? तो जब लाइफ जब बढ़िया होती है तब हम ये सब नहीं सोचते, जैसी कोई प्रॉब्लम आती है लाइफ में तब आता है दिमाग। तो व्हाट इज द पर्पस ऑफ माय लाइफ, ये अपने आप से आराम से बैठ करके पूछना है, खुद से सवाल करना है कि मेरी जिंदगी का मकसद क्या है और इसका मतलब समझना है। जिंदगी का मकसद क्या है? यही मकसद है भाई, आप इस दुनिया में आए हो। अगर आपने किसी एक भी इंसान की लाइफ थोड़ी सी बेटर बना दी ना, थोड़ी सी आपकी वजह से किसी के फेस पे थोड़ी सी स्माइल आ गई, किसी की जिंदगी में थोड़ी सी खुशी आ गई, तो समझ जाओ आपकी जिंदगी का मकसद पूरा हो। इस दुनिया में आ करके सिर्फ अपने बारे में सोच करके जाना नहीं है, मरना नहीं है, बल्कि कुछ कंट्रीब्यूट करना है। कि अगर आप आए हो इस दुनिया में तो अल्टीमेट गोल क्या है? जो भी आपके पास में रिसोर्सेस है, अपनी बॉडी है, टैलेंट है, हर एक के अंदर कोई ना कोई टैलेंट है, स्किल है, एजुकेशन है, अपना माइंड है जहां पर आप सोच सकते हो, चीजों को समझ सकते हो, ये सब आपके रिसोर्सेस है। इन सबको यूज करना है किसमें? पीसफुल, नॉट पीसफुल इन द शॉर्ट टर्म, पीसफुल इवेंचुअली। समझ आ रहा है? शॉर्ट टर्म पीस का मतलब क्या है? ये रिसोर्सेज हैं, पैसा है, ये है वो, इसका मतलब आदमी क्या निकालेगा? अच्छा, इसका मतलब ये है इन सबको यूज करना है पीसफुल होने के लिए। तो इसका मतलब जाओ किसी ठेके पे दारू की बोतल खरीद करके आओ और पी लो, हो गए पीसफुल, बढ़िया नींद आएगी, है कि नहीं? इसका मतलब क्या है कि कहीं जाओ और जा करके अपनी फैमिली के साथ में कहीं हॉलीडे पे चले जाओ, हो गए पीसफुल? अरे नहीं, शॉर्ट टर्म, एक दिन, दो दिन। आई एम टॉकिंग अबाउट अल्टीमेट पीस, आई एम टॉकिंग अबाउट एब्सोल्यूट पीस, जिसको दुनिया की कोई ताकत हिला ना सके, ऐसी पीस। दैट मस्ट बी द अल्टीमेट पर्पस ऑफ लाइफ।